उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, -6 और -3, -5 हो। निकालना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेगा x1 और यहाँ पे लिखेगा x2 और यहाँ पे लिखेगा x3, समझ में आ गया। अब देखिए x1 कहाँ पे रहता है, तो देखिए x1 यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और x2 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख लेंगे -4 और x3 यहाँ पे है तो लिख लेंगे -3। अब यहाँ पे लिखिए y1, फिर लिखेंगे y2 और फिर लिखेंगे y3। देखिए यहाँ पे रहता है y1, तो y1 है -1 और y2 है 6 और y3 है -5। आप इस टाइप से सबसे पहले लिख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं पे गलत ना हो। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला। अब देखिए इसमें सबका मान भर देंगे 1/2 x1, x1 कितना है 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1। फिर देखिए फिर भरेंगे x2 का मान, x2 कितना है -4, तो लिख लेंगे यहाँ पे -4। फिर देखिए भरिए x3 का मान, x3 कितना है -3, तो यहाँ लिख लेंगे -3। अब भरते हैं y का, देखिए यहाँ पे भरेंगे y2 कितना है 6, तो यहाँ लिख लेंगे 6। फिर माइनस, तो माइनस। फिर y3 कितना है -5, तो ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख लेंगे +5। फिर लिखिए y3 कितना है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। फिर ये वाला माइनस माइनस। फिर y1 कितना है -1 और ये माइनस, तो हो जाएगा +1। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे y1 कितना है -1, तो यहाँ पर -1 भरेंगे। फिर माइनस ये वाला, यहाँ पर लिखे y2 कितना है 6, तो यहाँ लिख लेंगे 6। अब इसको सॉल्व करते हैं 1/2, 1 का 1, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, तो गुना 11, ब्रैकेट हटता है तो गुना का चिन्ह लगता है। फिर माइनस, माइनस दीजिए 4 का 4, फिर ये दोनों घट जाएगा, प्लस माइनस है घटेगा, चिन्ह बढ़कर के लिखाएगा, तो इसमें से बचेगा -4। फिर यहाँ पे -3, फिर दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, तो 6 और 1 हो जाएगा 7, -7। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 गुना कराएंगे तो हो जाएगा 11। फिर माइनस, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16। फिर यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो हो जाएगा फिर ये प्लस, 7 3 21। फिर 1/2 इसको जोड़ेंगे पूरे को तो कितना मिलेगा 11, 16 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 48, तो यहाँ लिख देंगे 48। अब यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ पे 1/2 ये ब्रैकेट हटा तो यहाँ पे लग जाएगा गुना का चिन्ह, हो जाएगा 48। इससे इसे काट देंगे कई बार में तो कटेगा 24 बार में, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 24 वर्ग मात्र।